गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। नैतिकता और पवित्रता के नाम पर देश में महिलाओं युवतियों को ही आखिर इम्तिहान क्यों देना पड़ता है? विराम। सारी शुचिता पवित्रता की जिम्मेदारी का ठीकरा महिलाओं पर ही क्यों फूटता है? विराम। पुरुष चाहे कुछ भी करे, उसे महिलाओं के सामने किसी तरह की परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती। विराम। सदियों से चला आ रहा यह लैंगिक भेदभाव आखिर कब मिटेगा? कब तक महिलाएं कभी धर्म के नाम पर तो कभी रस्मों रिवाजों के नाम पर बलि वेदी पर चढ़ती रहेंगी? ये ऐसे सवाल है जो आज़ादी के 75वें साल में अमृत महोत्सव मनाने की बजाय महिलाओं के लिए अमावस्या की रात बने हुए हैं। विराम। महिलाएं आज भी रूढ़िवादी परंपराओं को सहने को अभिशप्त है। विराम। नेक्स्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक जनजाति समुदाय में महिला को न सिर्फ प्रताड़ित करके घर से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि उसके परिवार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना इसीलिए थोप दिया गया कि क्योंकि वह कुकड़ी प्रथा परीक्षण में विफल रही। विराम। इसके लिए उसे पति और ससुराल जनों ने प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। विराम। विवाहित महिला को सिर्फ इतना ही दंश नहीं झेलना पड़ा। विराम। कौमार्य परीक्षण में विफल हो जाने पर जातीय पंचायत ने उसके परिजनों पर 10 लाख का जुर्माना लगा दिया। विराम। यह मामला अब पुलिस में दर्ज है। विराम। ऐसा मामला पुलिस में पहली बार दर्ज नहीं हुआ है। विराम। इससे पहले भी कुकड़ी प्रथा के कारण महिलाओं और उनके परिजनों को प्रताड़ित करने के मामले सामने आ चुके हैं। विराम। नेक्स्ट। दुर्भाग्य यह है कि एक तरफ देश अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी समुदाय और जातीय वर्ग है जो अभी तक रूढ़िवादी गुलामी की परंपराओं को ढो रहे हैं। विराम। ऐसे मामले सामने आने पर महिला सशक्तिकरण के वादे और नारे हवाई ज़्यादा नज़र आते हैं। विराम। व्यवहारिक तौर पर महिलाओं की हालत कितनी नारकीय है, इसका प्रमाण विवाह के बाद जाति विशेष में कौमार्य परीक्षण की परंपरा है। विराम। ऐसा कोई परीक्षण पुरुषों पर लागू नहीं है। इस दास्ता की शिकार सिर्फ महिलाएं ही होती है। विराम। पुरुष अपनी मनमर्जी करने के लिए पूरी तरह आज़ाद है। विराम। उन पर किसी तरह का ऐसा कोई सामाजिक या पारिवारिक बंधन लागू नहीं है। विराम। नेक्स्ट। राजस्थान में एक और प्रथा है जिसे नाता प्रथा कहा जाता है। विराम। अमूमन इस प्रथा में महिला के परिजन ही रुपये लेकर पहले पति के होने के बावजूद किसी दूसरे के साथ उसका विवाह कर देते हैं। विराम। यह प्रक्रिया बगैर कानूनी तलाक के होती है। विराम। इसमें महिलाओं को किसी वस्तु की तरह इधर से उधर किया जाता है। विराम। कई बार तो एक महिला
दो तीन पतियों को छोड़ने के लिए विवश कर दी जाती है। विराम नेक्स्ट। सवाल यही है कि आखिर महिलाएं कब तक ऐसे जुल्मों सितम का शिकार होती रहेंगी। विराम। पुलिस ने कई बार ऐसे मामलों में पति और ससुराल जनों के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। विराम। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं गाहे बगाहे सामने आती रहती है। विराम। मुद्दा यह नहीं है कि देश और समाज के हाशिए पर पड़े कुछ वर्ग में इस तरह की आदिम परंपराएं जारी है। विराम। सवाल यह है कि आखिर उन तक शिक्षा की अलख और विकास की रोशनी क्यों नहीं पहुंच पाई। क्वेश्चन मार्क। शिक्षा और जन जागृति के अभाव में ऐसी जातियां या समूह की महिलाएं आज भी मध्यकालीन युग के जुल्मों सितम सहने को मजबूर है। विराम। इस तरह की कुरूतियों का ठोस समाधान करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल और सरकारों ने कभी गंभीरता से प्रयास नहीं किया। विराम। राजस्थान और दूसरे राज्यों में आखातीज के अबूझ सावे पर हर साल नाबालिगों की होने वाली शादियां इसका जीवंत प्रमाण है। विराम। प्रशासन प्रतीकात्मक तौर पर सूचना मिलने पर ऐसे विवाह को रुकवाने की रस्मादायगी भर करके अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेता है। विराम नेक्स्ट। राजनीतिक दल ऐसे विवाह में शामिल होने का मोह नहीं त्याग पाते। विराम। अनैतिक और गैर कानूनी होने पर भी ऐसे विवाहों में शरीक होकर मतदाताओं को खुश रखने का प्रयास किया जाता है। विराम। नेता बेशक अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसी कुरीतियों को प्रश्रय देते हो, किंतु कानून का मौन रहना स्तब्धकारी है। विराम। महिला विरोधी ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति अक्सर होती रहती है, किंतु इनके स्थायी निदान की दिशा में कभी ठोस समाधान नहीं किए गए। विराम। यदि ऐसा होता तो कौमार्य परीक्षण के नाम पर एक विवाहिता और उसके परिजनों को अत्याचारों का सामना नहीं करना पड़ता। विराम स्टॉप।